अयोध्या फैसले के तुरंत बाद रविवार को ईद के त्यौहार पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। इंदौर पुलिस ने अयोध्या फैसले से पूर्व अति संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया। व्यवस्था रविवार को भी यथावत रखी गई। वहीं पुलिस से इंदौर नगर निगम की गाड़ियों को भी अधिग्रहण किया। 50 से अधिक गाड़ियों का उपयोग इंदौर पुलिस शहर की गलियों में किसी तरह की घटना होने पर उपयोग में ले सकती है। अभी जो फेस्टिवल सीजन्स को देखते हुए, जैसे न केवल आज ईद मिलादुन्नबी का पर्व है, बल्कि आज जो प्रकाश पर्व का जो पर्व है वो भी मनाया जा रहा है। साथ में जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में इंदौर में काफ़ी बड़ा पुलिस इंतजाम लगाया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस न केवल फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, बल्कि कई जगह जगह स्ट्राइकिंग रिजर्व बनाए गए हैं। साथ में जो पेट्रोलिंग व्यवस्था की गई है, इसमें कई वाहनों को अधिग्रहण किया गया है। नगर निगम के वाहनों का भी उपयोग किया जा रहा है और बड़े बड़े मतलब एरिया में एक जो मूवमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिससे जो प्रभावी ग्रस्त है शहर में मेंटेन किया गया है, जिससे सभी लोग अपना शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए त्यौहार मना सकें। अयोध्या का फैसला आने के दूसरे दिन बाद भी पुलिस प्रशासन ने शहर में हाई अलर्ट जारी कर रखा है और कई क्षेत्रों को नो विकल्प जोन घोषित कर दिया है। उसी के साथ ही आज इंदौर पुलिस जो ईद मिलादुन का जो कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारी कर रही है। उसी के साथ जो नगर निगम की राजस्व टीम है वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और शहर की सुरक्षा व्यवस्था की का जायजा ले रही है। वहीं और पुलिस विभाग के साथ मिलकर शहर भर में पेट्रोलिंग करेगी। तब हम उसके लिए अध्यक्ष हैं इंदौर।